हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने आई हूँ। आज मैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स, ये तीन फेस वॉशेज हैं मेरे पास, इनका मैं रिव्यू आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं पतंजलि के फेस वॉशेज बहुत टाइम से, लगभग 1-1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि के। सबसे ये फेस वॉश तो मेरा फेवरेट है। ये फेस वॉश तो मुझे भी नहीं मालूम मेरा ये कौन से नंबर का फेस वॉश है। मैंने कितने ट्यूब्स इसके मंगा लिए और यूज़ करके फेंक दिए। सो फ्रेंड्स, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरी स्किन ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो जाती है, तो टी जोन में मेरे बहुत ऑयल आता है। सो फ्रेंड, इस फेस वॉश से वॉश करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपकी स्किन पर से ऑयल जो होता है एक्स्ट्रा, वो सारा निकाल के फेंक देता है। और चारकोल तो आपको पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। सो ये फॉर्मिंग फेशियल है। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कभी कभी आपको इंस्टेंटली कहीं फंक्शन वगैरह में जाना पड़ता है, तो आप इस फेस वॉश से आप अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप रोज़ वाटर लगा लीजिए, तो भी आपको अपनी स्किन पर अच्छा ग्लो वो दिखाई देगा, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि कई बार मैं यही करती हूँ कि मतलब फेशियल से जो आपकी स्किन में जो गंदगी डर्ट वगैरह जो फंस जाती है, वो ये पूरा निकाल के बाहर फेंक देता है। और चारकोल का तो वैसे काम ही यही होता है। उसके साथ इसमें है लेमन, नीम एंड एलोवेरा, ये तीनों ही हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और फ्रेंड्स, ये बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो इस टाइप का होता है, लाइट ग्रे टाइप का। सो फ्रेंड्स, इसको बहुत थोड़ा मतलब लगाना पड़ता है, और आप इसको अपनी स्किन पर 2 मिनट्स बस जेंटली रब कीजिए एंड अपना फेस वॉश कर दीजिए, और सॉफ्ट टॉवल से वार्मली पोंछ लीजिए। सो आपको आपके स्किन में जो ऑयल की प्रॉब्लम होती है, सो उस वो नहीं होगी। गर्मियों में मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, सेकंड है ये पतंजलि का ऑरेंज एलोवेरा विद नीम एंड तुलसी। इसमें भी ये सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये भी क्या कहते हैं आपका फेस वॉश फॉर्म बेस में ही है। सो इस तरह का प्रोडक्ट है। ऑरेंज पील तो हमको पता ही है कि कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये फेस वॉश भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये मेरा फर्स्ट ट्यूब है ये वाला, और लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये भी आपकी स्किन से सारा ऑयल निकाल के बाहर फेंक देता है और आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। और इस वाली फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आपको हल्का हल्का मतलब मिंट जैसा भी आपके फेस पर फील होता है। जैसे इसमें पड़ा हुआ है ना लेमन और नीम, बहुत अच्छा होता है अपनी स्किन के लिए। इसमें पुदीना भी पड़ा है, तो उसका मिंटनेस जो होती है, ठंडक, वो आपको आपकी स्किन पर पता चलती है इस फेस वॉश के। और फ्रेंड्स, इसमें भी है रित कुमारी ऑरेंज पील, नीम एंड तुलसी। ये सभी प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेम यूज़ इसका करना, जैसे हम ये यूज़ करते हैं वैसे हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस 1-1.5 मिनट के लिए जेंटली अपने फेस पर मसाज कीजिए एंड इसको वॉश कर दीजिए। इन दोनों फेस वॉश के फोम बहुत अच्छा बनता है। आप थोड़ा सा लेंगे और आपको आपकी स्किन से सारा मतलब ऑयल वगैरह निकाल के फेंक देता है, जितनी भी डर्ट पोल्यूशन आपकी स्किन पे होता है। और थर्ड है ये फ्रेंड्स, ये वाला फेस वॉश जो होता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी है नीम एंड तुलसी फेस वॉश। इसमें है धृत कुमारी, नीम एंड तुलसी। ये जेल फॉर्म में है फ्रेंड्स। ये थोड़ा आपकी स्किन पर क्लीन तो कर देता है, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर अपना छोड़ देता है। जो आप अगर डब यूज़ किए हों तो हल्का सा ऑयल जैसा मतलब मॉइस्चर नहीं रह जाता, उस टाइप का ये छोड़ देता है।
सो फ्रेंड्स, ये दोनों फेस वॉश मैं रिकमेंड करूँगी जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है उनके लिए, और ये फेस वॉश मैं उनको बोलूँगी जो ऑयली वो ड्राई स्किन होती है, और ये एक्ने एंड पिंपल वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आपके एक्ने और पिंपल अगर होते हैं तो प्लीज़ एक बार आप ये वाले फेस वॉश यूज़ करके देखिए, मेन ये वाला। आपकी स्किन पर अगर दाने वगैरह भी अगर होते हैं तो आप ये वाला एक बार यूज़ करके देख सकती हैं। वैसे तो ये हर्बल है, नुकसान तो किसी को देगा नहीं, बट आप एक बार चेक कर सकती हैं। सो यही था मेरा रिव्यू इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। ये वाला फेस वॉश मुझे थोड़ा कम यूज़ अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन को पूरा क्लीन नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि क्लीन हो गई है, जैसे मतलब मॉइस्चर जैसा रह जाता है, वो मुझे पसंद नहीं आता। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हमेशा देखिए कि आपको जेल फॉर्म में जेल वाले फेस वॉशेस नहीं लेने चाहिए। आपको अगर ऑयली स्किन है या नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप, या पिंपल वगैरह आपकी स्किन में होते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फोम वाले फेस वॉश ही इस टाइप के ही यूज़ करने चाहिए। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा मैंने जो भी आपको बताया, सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरे कहने से आप ये दोनों फेस वॉशेस में यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यदि आप पहले से ही अगर यूज़ करते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो चलिए, मैं जाती हूँ अभी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।